तो मित्रों, हेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। सिविल इंजीनियर हेल्थ चैनल में आपका। मैंने अभी एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे फिट रहा जाए, शरीर के सारे सिस्टम को कैसे फिट रखें। आदमी जैसे मतलब आज के युग में 40 पार कर रहा है, तमाम उसके बॉडी में पेन चालू हो जाते हैं। आज के युवा वर्ग हैं, कभी जिम ज्वाइन कर लेते हैं वो भी नहीं जाते हैं, और तमाम तरह की फास्ट फूड वगैरह लेते रहते हैं। अभी मतलब उनको मतलब 40 के बाद ही प्रॉब्लम आने वाला है। तो मैं कुछ आज आपको टिप्स बताऊंगा कि आप उसको फॉलो करें। और देखिए, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो देखिए, मैं तड़ा आसन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपके पेट का जो अगला हिस्सा है और यहाँ पर जो फैट जमा रहता है उसको खत्म कर देता है। कैसे करते हैं तड़ा आसन, ये दोनों दूर आ जाएंगे। अब आपको दिखा रहा है क्या कर पंजे के बदौलत खड़े हो जाएंगे। ऐसे कम से कम 2 मिनट तक ऐसे खड़ेगा ये तड़ा आसन। फिर अपने पांव को नीचे लगा, फिर ऊपर ले जा। मित्रों, ऐसे देखिए, पंजे पर ध्यान दीजिए, आपको दिखा रहा है। और पंजे ऐसे देखिए ऊपर चले, ये आपका जो यहाँ पे फैट है, जो यहाँ के ऑर्गन्स हैं उनको फिट रखता है। अगर आपको बैक पेन, कमर में दर्द है, तो आप ऐसे सीधे खड़े हो जाएंगे और ऐसे झुकिए। ये देखिए, और नीचे ले जाइए और कोशिश करिए जमीन को टच करें। इससे क्या होगा, आपका जो कमर की हड्डी है ये मजबूत होती है। और कमर ऐसे कम से कम 5 बार करें, 5 बार। देखिए, जोड़ों में दर्द है, बाह में दर्द है, तो आप कम से कम 10 बार ऐसे 10 बार फिर रिवर्स डायरेक्शन। मित्रों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे हम आपको फिटनेस संबंधी जानकारी देते रहें। खाना नहीं पचता हो तो कुछ देर तक देखिए, ये इस स्टाइल में पैर को, दोनों पैर को पहले पीछे की तरफ ले जाएं, मोड़ के घुटने से मोड़ के पीछे ले जाएं और फिर बैठें। देखिए, आपको दिख रहा है पीछे का हिस्सा दिख रहा है और बैठ जाए। खाना खाने के बाद और सुबह में 5 मिनट जरूर इस आसन को करें, जो आपको काफ़ी राहत देगा। अगर आपके बैक में स्ट्रेट जो हड्डी सीधे जा रही है इसमें पेन हो, तो उसके लिए मैं आपको एक आसन बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। लेट जाइए, पेट की मदद देखिए, ऐसे लेट जाइए और सर्प आसन करिए। ये बहुत ही इफेक्टिव है। ऐसे उठिए, कम से कम 10 बार करिए, ऐसे उठिए और 10 बार करिए। ये रामबाण इलाज है बैक पेन का। और हमारा तो दो तरह का बैक पेन था, एक जो सीधी हड्डी है और एक उसे पिछले पास, दोनों इसमें सही है। मैं एक और आपको आसन बता रहा हूँ, योगा बता रहा हूँ। अगर आपका खाना नहीं पच रहा है और गैस बनती हो, उसके लिए आप ऐसे लेट जाएं, पेट की बदौलत लेट जाएं और ऐसे करें, फिर ऐसे लेट जाएं और दोनों पैर को उठाएं। पहले एक पैर को ऐसे, फिर दूसरे पैर को ऐसे उठाएं। इस तरह आप उठाते रहें और करते रहें, इससे आपको गैस की समस्या नहीं रहेगी। और ये देखिए, ऐसे घुटने को मोड़ें और बाहों से इसको हिलाते रहें, इससे घुटने का आपको फॉर्म सॉल्व होगा। फिर दोनों घुटनों को करिए और काफ़ी आपको यहाँ दबता है, जो पेट का सिस्टम यहाँ दबता है और खाने को पचाता है और गैस नहीं। तो मैं एक और आसन बताने जा रहा हूँ, ऐसे आप दीवार के सहारे लेट जाइए और
देखिए ऐसे करिए, पैर को फिर चिपका दीजिए इसको, इसको सरकाइए, इससे आपका कमर और ये घुटने दोनों मजबूत होते हैं और जो यहाँ का ब्लड है ऊपर की तरफ जाता है। तो ऐसे आप कम से कम 10 बार करिए और मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल पोजिशन कैसे करना है। देखिए ऐसे, फिर इसको नीचे ऊपर करते रहिए, इससे आपको मूत्र संबंधी जो भी परेशानियाँ हैं, आपका सही ढंग से पेशाब नहीं होता है, ये सही ढंग से होने लगेगा और इवन वो समस्या आपकी नहीं रहेगी। ऐसे करिए कम से कम 10 बार और ऐसे स्टे रहिए। मित्रों, हमारा चैनल कैसा लगा जरूर इस पैरों को दोनों हिलाएं, इन दोनों पैरों को हिलाने, इससे आपको यूरिन संबंधी समस्या नहीं रहती है और ये ज्वाइंट्स को काफ़ी मजबूती मिलती है, जो जोड़ है आपको काफ़ी मजबूती और घुटनों को भी काफ़ी मजबूती मिलती है और पैरों की उंगलियां भी मजबूत होती हैं। तो मित्रों, हमारे चैनल को लाइक करें। देखो, बहुत सही आपको आसन बता रहा हूँ। देखिए ये पैर को ऐसे चिपका लीजिए, चिपका लीजिए ऐसे, फिर इनको उठाइए, फिर इनको उठाइए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, इससे आपको जो प्रोटेस्ट की समस्या नहीं रहेगी, यूरिनल का समस्या नहीं जाएगा। कम से कम 20 बार करें और खाली पेट करें तो और अच्छा है, तो सुबह शाम व्यायाम करिए। तो मित्रों, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर नेक में ऐठन है, नहीं घूम रहा है, तो उसको मैं बता रहा हूँ, एक और बहुत ही सुंदर आसन बताऊंगा जिससे आपको कभी नेक पेन नहीं होगा। ये चारपाई है, देखिए इसमें लेट जाइए, ये चारपाई पर लेट जाइए और देखिए आपको दिखा रहा हूँ कि ये नेक पेन के लिए ऐसे लटका लीजिए, देखिए ऐसे कम से कम लटका लीजिए, आपको कैसा भी पेन रहे नेक का नहीं होगा और डेली ऐसे करिए। तो मित्रों, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ऐसे कम से कम 2 मिनट बने रहिए और फिर बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए ऐसे। बॉडी एकदम बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे, आपके बॉडी में पूरा ब्लड सर्कुलेशन तेज हो गया है और आपको लग रहा होगा कि मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया है। मैं अगले अपने वीडियो में कुछ आपको एक्यूप्रेशर और हेल्थनेस पॉइंट के बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल में और लाइक करिए और कमेंट करिए कैसा लगता हमारा वीडियो, ज़रूर बोलें। बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, इसलिए ज़रूर कुछ बोलें। Thank you.